हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। जैसे आपको पता है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है बहुत सारी। तो देखते हैं वो वैकेंसी क्या है और किसके लिए गया रखा गया है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 1/2018 है, और जो इसकी ओपनिंग डेट होगी वो आज से शुरू है 1 अगस्त 2018 से, और जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2018 तक है। जो इसकी डेट की एग्ज़ाम की डेट रखी गई है वो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में रखी गई है। इस दिन में कभी भी एग्ज़ाम हो सकती है। चलिए देखते हैं पोस्ट किस किस के लिए आई है। और सबसे पहला पोस्ट जो आई है वो एग्जीक्यूटिव के लिए आई है इन सिविल और डिफरेंट ब्रांचेस, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के में। तो सबसे पहले सिविल की देखते हैं। एग्जीक्यूटिव इन सिविल, इसका जो पे स्केल है वो रखा गया है 12,000 से लेके 32,500 तक। टोटल सीट कितनी है इसमें? 82। सीट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? तो 46 अनरिजर्व के लिए, 8 SC के लिए, 5 ST के लिए और 23 OBC के लिए। चलिए इसमें देखा जाएगा तो मेडिकल जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो A3 रखा गया है, जो अमूमन हर रेलवे या अदर रेलवे टाइप के एग्जाम में JEE की मेडिकल स्टैंडर्ड होती है, वो होती है A3। चलिए इसमें इसका पोस्ट कोड है 31, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? सिर्फ डिप्लोमा 3 या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और सिविल रिलेटेड अदर ब्रांचेज, बट इसमें BTEC वाले बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि BTEC अलाउड है, BTEC अलाउड है, बट जब आप फॉर्म भरिएगा तो इसमें BTEC का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो BTEC अलाउ इसमें BTEC बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कस्टमर केयर नंबर को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कस्टमर केयर नंबर भी डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आगे देखते हैं। आगे जो एज लिमिट रखी गई, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम कितना रखा गया हमारा? 30 साल। ये नॉर्मल है, बट अगर जो लड़के ये रिजर्वेशन के तहत आते हैं, जैसे OBC के लिए 3 साल रखा गया एक्स्ट्रा एज, तो उनके लिए 33 ईयर हो जाएगा, और SC ST के लिए 5 साल रखा गया तो उनके लिए 35 ईयर हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उस पर आपकी मेरिट बनेगी, उस पर आपका आगे फर्दर सिलेक्शन होगा। अगली पोस्ट जो आई है वो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए आई है। इसकी भी पे स्केल सेम है सिविल की तरह, 12,000 से लेकर 35,000। इसमें टोटल पोस्ट जो आई हैं वो 39 आई हैं, जिसकी की डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। 18 अनरिजर्व के लिए रखी गई है, SC के लिए 7 रखी गई है, ST के लिए 3 और OBC के लिए 11 रखी गई है। इसमें से एक पोस्ट जो है PH के लिए रिजर्व करके रखा गया है, एंड 5 एक्स सर्विस मैन के लिए भी रखा गया है। इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा? A3। मैंने जब से आपको पहले ही बोल दिया, जितने भी JEE के लेवल के एग्जाम होते हैं सारा का मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होता है। इसकी क्वालिफिकेशन भी क्या रखी गई है? सिर्फ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ETC ETC। आपको मिनिमम 60% मार्क्स डिप्लोमा में आनी होनी चाहिए। इसकी भी एज क्या है? 18 से 30 साल, और इसका भी एग्जाम प्रोसेस क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगला जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए। इसमें भी पे स्केल सेम है। जो पोस्ट आई है टोटल 97 पोस्ट है, जिसमें कि 48 अनरिजर्व है, 16 SC के लिए और 8 ST के लिए, और OBC के लिए 25 रखा गया है। इसमें 5 जो है PH के लिए रखा गया है, और 14 कितना के लिए? एक्स सर्विस मैन के लिए रखा गया है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, A3 है, जो कि हर JEE के एग्जाम में होता है। इसकी क्वालिफिकेशन भी क्या है? हमारा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफरेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेज, बट आप BTEC वाले बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। इसमें एज कितना रखा गया? 18 साल, और मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल इसमें भी रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? फिर से वही सेम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उस पर आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको आगे देखा जाएगा। अब अगला देखते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग एंड स्टेशन मास्टर कंट्रोलर। स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर का पोस्ट है। इसकी भी पे स्केल 12,000 से लेकर 32,500 तक है। टोटल इसमें 109 पोस्टें हैं, इसमें जिसमें कि 53 अनरिजर्व है, SC के लिए 18 रखा गया और ST के लिए 9 सीट और OBC के लिए 29 सीट, जिसमें से 15 सीट एक्स सर्विस मैन के लिए रखा गया है। लेकिन इसका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है? A2। A2 आपको बता दूँ, A3 से थोड़ा सा टफ होता है, इसकी आँख और अदर क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें चलिए इसका पोस्ट कोड क्या है? 34, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है? तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 60% इन एनी ब्रांचेज। ठीक है, इसमें एज कितना रखा गया है? तो 18 साल,
और मैक्सिमम 30 साल रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन कोटा को छोड़ने के बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम होगा, उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, साइको टेस्ट के बाद आपकी मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। आप इसमें वही बोला है कि जो डिग्री होल्डर हैं आपको मिनिमम 60% मार्क्स आपके कोई भी डिसिप्लिन में होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला जो ये है, अगला जो वैकेंसी आई है वो आईटीआई लोगों के लिए आई है। तो सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड थर्ड सिविल असिस्टेंट आई है, जो कि जिसका कि पे स्केल 10,000 से लेकर 25,000 तक है। इसमें टोटल 239 सीटें आई हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए कितना रखा गया, 120, एससी के लिए 36 और एसटी के लिए 18 और ओबीसी के लिए 65, जिसमें से 11 आपका पीएच के लिए रिजर्व है, 34 एक्स मैन सर्विस के लिए। जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो B1 होता है, जो कि A1 से नीचे आता है। चलिए इसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मैट्रिकुलेशन में आपको 60% से कम नहीं आना चाहिए और मिनिमम 2 साल का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, जिसको कि हम लोग आईटीआई बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम आपको आईटीआई होना चाहिए, इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसका एग्जाम बेस्ड, इसका जो मिनिमम एज होगा जो 18 साल होगा और मैक्सिमम एज 30 साल होगा। एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उस पर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा और उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। उसी तरह अगला जो पोस्ट है वो जूनियर एजुकेटिव ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल के लिए, मतलब जो लड़के आईटीआई किए हैं इलेक्ट्रिकल से वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितनी सीटें हैं इसमें। तो टोटल जो सीट है 34 है, सॉरी अनरिजर्व के लिए 34 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 19 है। टोटल आपके 68 है, जिसमें से 4 पीएच के लिए रिजर्व है और 9 एक्स मैन सर्विस के लिए। इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगी, B1। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, मिनिमम मैट्रिकुलेशन में आपको 60% तो लाना ही है और 2 साल की आईटीआई की ट्रेनिंग लेनी होगी, कोर्स करनी पड़ेगी आपको। इसमें फिर से बता दूं, डिप्लोमा वाले लड़के बिल्कुल अलाउड नहीं है और बीटेक वाले तो कतई नहीं। फिर से इसका एज जो रखा गया है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल और इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन में आईटीआई किए उनके लिए भी पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे टोटल पोस्ट उनके लिए कितना है, 42, अनरिजर्व के लिए 22, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 11, जिसमें से 2 पोस्ट पीएच के लिए और 6 पोस्ट एक्समैन सर्विस के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका भी सेम रखा गया है B1। इसकी जो क्वालिफिकेशन है सेम है, आपको 10th में 60% मिनिमम होना चाहिए और आईटीआई आपका टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। इसमें भी एज जो रखा गया है 30 साल, 18 साल से लेकर 30 साल रखा गया है और इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब देखते हैं मल्टी टास्किंग ट्रैक मैन के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी आई है इन सिविल, जिसका कि पे स्केल 6,000 से लेकर 12,000 तक होती है, जिसमें टोटल पोस्ट 4,451 पोस्ट हैं, जिसमें से 227 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, 68 पोस्ट एससी के लिए और एसटी के लिए 34 पोस्ट, ओबीसी के लिए 112 पोस्ट, जिसमें से 65 आपको एक्समैन सर्विस के लिए रिजर्व है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा इसका, B1। उसी तरह मल्टी टास्किंग इलेक्ट्रिकल में भी आई है, इलेक्ट्रिकल में भी पे स्केल सेम है 6,000 से लेकर 12,000, लेकिन पोस्ट काफ़ी कम है, 37 टोटल सीट है, जिसमें से अनरिजर्व 19 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 10 है, जिसमें से 2 आपका पीएच के लिए और 5 आपका एक्समैन सर्विस के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका भी B1 है। और अगला देखते हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ ग्रेड 4 SNT, सिग्नल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन हेल्पर, जिसका भी पे स्केल 6,000 से 12,000 तक है। पोस्ट कितने हैं, 6 हैं, अनरिजर्व के लिए 4 हैं, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। उसके बाद अगला जो मल्टी टास्किंग है वो है ग्रेड 4 ऑपरेटिंग पॉइंट्स मैन एंड गेट मैन, जिसको ग्रुप डी का भी एग्जाम, ग्रुप डी भी जॉब बोलते हैं, जिसमें कि आपका पे स्केल 6,000 से लेकर 12,000 तक रखा गया है। टोटल पोस्ट कितने हैं, 402, जिसमें कि 201 अनरिजर्व है, एससी के लिए 62 है, एसटी के लिए 32 है और ओबीसी के लिए 107 है। टोटल 56 सीट जो है एक्स मेन सर्विस के लिए रिजर्व कर दिया गया है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। अब चलिए ये सारे जितने पोस्ट थे उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो देख लिया जाए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको मिनिमम जो होना चाहिए मैट्रिक होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिसशिप या आईटीआई अप्रूव किसी भी कॉलेज से आईटीआई की डिग्री प्लस 60%, आईटीआई में आपको मिनिमम 60% का होना ही चाहिए मार्क्स।
आपका जो एज रखा गया है सारे फॉर्मों में एज कितना है, 18 से 30 साल था, लेकिन यहाँ पे 18 से जो आपका 33 साल रखा गया, देखिए 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका एग्ज़ाम क्या होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद PET जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी बोलते हैं ये होगा। चलिए आगे मैं बताऊंगा इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्लस्टर ए ये बांट दिया गया ऐसे, क्लस्टर ए में एजुकेटिव सिविल इलेक्ट्रिकल सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, फिर जूनियर एजुकेटिव जिसमें कि ITI की थी, और क्लस्टर सी में मल्टी टास्किंग का पोस्ट रखा गया है। एज लिमिट कब तक काउंट होगा, तो आपका जो एज लिमिट होगा 1 जुलाई 2018 तक काउंट होगा, तो आप अपना एज काउंट करके फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था एज रिलैक्सेशन है 5 साल ST के लिए, 3 साल OBC के लिए, और PH के लिए 15 साल, SC ST PH जो है, ऐसे PH जो कि OBC हैं और SC ST उनके लिए अलग क्राइटेरिया रखे, जो ऐसे PH जो कि SC ST उनके लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है, और ऐसे PH जो कि OBC हैं उनको 13 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। चलिए ये तो सारे PH का रूल बताया गया है कि PH कैसे हो, PH आप कब कहलाएंगे, जब आपकी PH की एबिलिटी मिनिमम 40% या उससे ज़्यादा होगा तभी आप PH की सर्टिफिकेट पर फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर सबसे पहले आपका पटना में दिया गया है, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल और चंडीगढ़, मोहाली में दिया गया है। मतलब कि जितने भी डेवलप सिटी और अमूमन जितने भी बड़े सिटी हैं सारे सिटी में आपका सेंटर पड़ गया है। तो इसका मतलब आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, सेंटर आप अपने नज़दीकी से कोई भी चुन के डाल सकते हैं और वहाँ पर सेंटर पा सकते हैं। एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। एजुकेटिव के लिए टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें से 96 आपके डिसिप्लिन से रहेंगे, अब 12 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से और 12 क्वेश्चन जनरल रीजनिंग रहेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। जूनियर एजुकेटिव के लिए भी आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और टेक्निकल पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। इसमें कोई ऐसा बता नहीं गया कि कितने से कितना आएगा, बट 3 सेक्शन इसमें भी रहेंगे। और उसी तरह MTS के भी जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। इसमें भी टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें अगर आप गलती करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर गलती करते हैं तो आपको 1.4 मार्क्स का मतलब 0.25 मार्क्स आपके सही में से काट लिए जाएंगे। मतलब आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो उस क्वेश्चन का तो आंसर नंबर कटेगा ही कटेगा, 1 मार्क्स, साथ में आपके 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा बोनस में कट जाएंगे। तो आप इस पर ध्यान से इस एग्ज़ाम को दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए साइको टेस्ट भी है इसमें, सेकेंड वाले में मैंने जैसे बताया था, साइको टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब देखिए मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को कुछ मैंने बताया था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि क्लास ग्रुप डी मल्टीटास्किंग के लिए मैंने बताया था कि रिटेन के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पे कुछ आपका दिया गया है क्राइटेरिया। तो सबसे पहले मेल का क्राइटेरिया देखते हैं, मेल का क्राइटेरिया क्या है, तो आपको 35 kg लेके वेट 100 मीटर दौड़ना होगा, जस्ट 2 मिनट का आपका समय दिया जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद आपको 100 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी मात्र 4 मिनट 15 सेकंड में। लड़कियों को थोड़ी सी रियायत दी गई है, आपकी 35 की जगह आपको 20 kg उठाना पड़ेगा, 100 मीटर दौड़ना होगा 2 मिनट में, और आपको 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 5 मिनट 40 सेकंड में। आपको बस एक ही चांस दिया जाएगा, अगर आप फेल हो गए तो आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। चलिए ये सब तो हो गए, अब आगे देखते हैं आपको फी कितना पे करना पड़ेगा। इस तो जो JEE का फॉर्म भर रहे हैं जिसको एजुकेटिव डाला गया है, और OBC और जनरल के लिए आपका 900 फी रखा गया है, जूनियर एजुकेटिव OBC और जनरल के लिए 700, MTS के लिए 500, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मैंने पहले ही बता दिया था मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा रहेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस साइट पे जाएंगे, मैं इस साइट को लिंक में भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा साइट, वहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आई एग्री करने के बाद मैं बता दूंगा कि कैसे करना, मैं उसका एक और वीडियो बना दूंगा, और उसके बाद आप अपना फ़ी पे करके
फी आपको कब पे करना है? फी आपको 24 घंटे बाद, जब आप फॉर्म भर लेंगे उसके 24 घंटे बाद आप फी पे कीजिएगा। इसमें टोटल दो पार्ट है, पहला पार्ट में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, दूसरे पार्ट में टोटल आप इंफॉर्मेशन डालिएगा, तब जाके उसके जब आप फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा उसके 24 घंटे बाद आपको फी पे करना है, ठीक है। और आपको उस फॉर्म भरने से पहले क्या-क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए आप अपने फ़ोटो रखिएगा, सारा डॉक्यूमेंट रखिएगा, और सारे जो एग्जामिनेशन के मार्क्स और घर का पता सारा आपको अपने साथ रख के फॉर्म भरिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है बताने लायक इस फॉर्म में, आपको मैं बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पे जाके DFCCIAhelpdesk@2018@gmail पे जाके कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। मैं आपको कस्टमर केयर का भी नंबर दे दूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। सारे जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। और आपको कोई भी रिगार्डिंग कोई भी जॉब रिगार्डिंग डाउट हो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।